बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। एच एम टेक सोल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि फ्यूजिका का ये जो वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर गेट है, जिसका मॉडल FJ18A है, इसको किस तरह से रिपेयर और ओवरहाल किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। आप हमें अब लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट की जो है ये कंडीशन देखें। इस पर काम शुरू करने से पहले ये इसकी कंडीशन है, ये देखें, ये फ्यूजिका का वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर गेट है। ये एक 6 जोन का मेटल डिटेक्टर गेट है। ये देखें, इसका बोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके बॉक्स के अंदरूनी जो है वो हिस्सा है, जिसमें आपको मेन बोर्ड इसका जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें, ये इसकी पावर सप्लाई है, ये इसकी जो मेन पावर सप्लाई है वो है, ये देखें जी। ये आपको मेन बोर्ड पे मैं दिखा देता हूँ कि ये या तो बारिश का पानी इस पर जो है वो गिरा हुआ है, या ये देखें आपको सामने इसकी जो कंडीशन है वो नज़र आ रही है कि इसके ऊपर जो है वाटर डैमेजेस जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। पानी की वजह से जो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये इसका मेन यूनिट जो था ये हमने खोल के अलहदा कर लिया। ये वॉक थ्रू गेट का मेन यूनिट जो है ये बोर्ड है। तो ये अब हम इसको रिपेयर करेंगे और सबसे पहले इसको चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर इसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखें, मैं आपको क्लोज़ व्यू में दिखाता हूँ कि ये अगर आपको नज़र आ सके तो यहाँ पे ये काफ़ी सारा आपको नज़र आएगा कि वाटर डैमेजेस जो हैं वो, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये बिल्कुल वाज़े हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो डाटा केबल्स हैं इनको अलग कर लेंगे। ये दोनों डाटा केबल्स, ये दो दो ये पेचों के साथ इसमें लगी होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट साइड पैनल के लिए। तो इनको हम पहले अलग कर लेंगे। ये इनको अलग कर लिया। अब ये जो बोर्ड है हम इसको ब्रश की मदद से मदरबोर्ड क्लीनर के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये देखें, ये जितने भी वाटर डैमेजेस हैं सबको जो है हमने पहले तो रिमूव करना है, उसके बाद जो है हमने इसको अच्छे तरीके से जो है साफ़ करना है। जो ड्राई शोल्डर हैं वो ख़त्म करने हैं और इसको ये देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये डेड कंडीशन में जो है वो हमें रिसीव हुआ है, जैसे कि हमने देख भी लिया था कि ये डेड है। तो हमने जितनी डस्ट है पहले उसको ब्रश की मदद से जो है वो साफ़ करना है अच्छे तरीके से, और ताकि जो डस्ट और चीज़ें हैं वो साफ़ हो सकें। इसके बाद हमने ये जो इसके मेन बोर्ड के ऊपर जो कार्ड्स लगे हुए हैं इनको अलग कर लेना है। अब ये आपका मेन बोर्ड जो है ये बिल्कुल देखें, क्लियर हो चुका है। अब आप
इसको आसानी के साथ जो है ये साफ़ कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट पैनल है जी, यहाँ पे आपको दो डिस्प्ले नज़र आएंगे और ये चार इसके जो हैं ये फंक्शन स्विचेस हैं। इनकी भी आप ज़रा कंडीशन देख लें कि ये किस तरह से है। ये देखें तो अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ करेंगे मदरबोर्ड क्लीनर से। ये देखें किस तरह से ये इसमें चमक आ गई है। इसको जैसे ही हमने अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया है, इसके मेन बोर्ड और जितने भी ये कार्ड्स हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से अब चमकने लग गया है। तो अब हम पावर सप्लाई के ज़रिए इसको सब पावर देके देखेंगे कि ये बोर्ड ऑन होता है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये पावर सप्लाई को 12 वोल्ट्स पे जो है वो सेट कर लेना है। ये हम इसको रोटेट करेंगे तो ये देखें जी, ये हमने इसको 12 वोल्ट पे जो है पावर सप्लाई को फिक्स कर लिया। अब इसके पावर सप्लाई के जो टर्मिनल्स हैं ये हम जी ये देखें, ये पावर सप्लाई को आपने 12 वोल्ट पे जो है वो फिक्स कर लेना पहले। तो अब हम इसके जो 12 वोल्ट पावर सप्लाई के टर्मिनल्स हैं इनको मेन बोर्ड के साथ ये हम अटैच करेंगे। ये जैक है जी पावर सप्लाई का, ये पावर सप्लाई जैक को हमने जैक नंबर J10 है मेरे ख्याल से जी, ये J10 है, इसमें हमने इसको फिक्स किया। तो ये देखें ये बोर्ड जो है वो तकरीबन अब ऑन हो चुका है। ये देखें ये डिस्प्ले आपको जलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है इसकी पिनें टेढ़ी हुई थी तो इसको मैंने थोड़ा सा पुश करके ऊपर की तरफ डिस्प्ले को कर दिया है। तो ये देखें अब ये ऑन तो हो गया है। अब इसके बाकी के जो फंक्शंस हैं या इसके जितने भी वोल्टेज लाइन है इसको हम ट्रेस कर लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। ये अब हम मेन बोर्ड की जो पावर लाइन है इसे ट्रेस करेंगे और सबसे पहले ये जो जितने भी रेगुलेटर्स हैं इनको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपने मीटर को सिलेक्टर स्विच को जो है वो वोल्ट्स पे 20 वोल्ट्स पे सेट कर लेना है, 20 वोल्ट्स डीसी पे। सेट करने के बाद आपने ये ग्राउंड यहाँ पे अटैच कर देनी है बोर्ड के किसी भी हिस्से पे, और जो पॉइंट्स हैं रेगुलेटर्स के इनको चेक करना शुरू कर देना है। तो ये 7.83 वोल्ट्स जो हैं ये आ रहे हैं, ये रेगुलेटर को आप चेक करेंगे 11.89 वोल्ट्स हैं, आउटपुट इसकी 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये वर्किंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, ये जी इसकी इनपुट जो है 11.9 है और इसकी जनाब जी ये तो नेगेटिव वोल्ट के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसकी जो आउटपुट है ये नेगेटिव 8 वोल्ट्स जो है वो राउंड अबाउट होगी। तो ये नेगेटिव वोल्ट शो कर रहा है, इसकी 7 वोल्ट्स जो हैं माइनस 7 वोल्ट्स जो हैं ये आउटपुट है, ये तकरीबन ठीक काम कर रहा है। अभी ये दूसरा रेगुलेटर है इसकी 11.91 जो है इनपुट है और आउटपुट इज 7 वोल्ट्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक जो है काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये रेगुलेटर जो है इसकी आउटपुट जो है
ये थोड़ी कम है क्योंकि इसकी इनपुट जो है वो भी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे, तो इसकी वर्किंग तकरीबन बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम रेगुलेटर्स जो हैं ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं जैसा कि हमने चेक किया है। अब इसके हम फंक्शंस जो हैं वो मेन कंट्रोल यूनिट जो है वहाँ से चेक कर लेते हैं, क्या है इसके फंक्शंस जो हैं ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। तो ये सबसे पहले हम ये देखें, ये चारों फंक्शंस बटन हैं, ये ऑन ऑफ स्विच है। सबसे पहले हम इसको ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ करने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये इसका फंक्शन स्विच जो है ये दबाएंगे तो ये देखें जी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड हमने एंटर कर दिया क्योंकि हमने तो पासवर्ड कोई लगाया नहीं था। ये एच जो है ये इसकी मेन सेंसिटिविटी लेवल है, तो मेन सेंसिटिविटी लेवल एच को हमने सेट किया है 20 पे, जैसा कि डिस्प्ले पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें ये मेन सेंसिटिविटी लेवल है इसका, किसी भी वॉक थ्रू का जो मेन सेंसिटिविटी लेवल होता है मोस्टली चाइनीज़ वॉक थ्रू गेट में ये एच के नाम से लिखा होता है। तो इसको आप ये अप डाउन बटन्स ये जो सेंटर में हैं ये अप और डाउन बटन्स हैं, इनके ज़रिए से आप इसको अप और डाउन कर सकते हैं। अगेन प्रेस किया हमने फंक्शन स्विच को तो ये एफ है, एफ मीन फ्रीक्वेंसी, तो ये अभी 50 पे सेट है, इसको भी आप ये अप डाउन बटन के साथ जो है ये अप डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखें 46, 7, 8, 49, 50, फिर फंक्शन स्विच को दबाएंगे तो ये L1 यानी कि जोन 1 है, ये जोन 1 को 55 पे जो है वो सेट किया हुआ है। अगेन प्रेस करेंगे फंक्शन स्विच को ये L2, L3 जैसा कि आप देख रहे हैं, L4 यानी कि जोन 4, L5 यानी कि जोन 5। अगेन प्रेस दिस स्विच तो ये दोबारा इसको जब हम प्रेस करेंगे ये L6 आ जाएगा, L6 मीन के जोन 6। अब D1 आ गया, D1 जैसा कि आप देख रहे हैं D1 है, D1 इसका मतलब है कि अगर D1 को आपने इसके तीन रेटिंग्स होते हैं D1, D2, D3, इट मींस के अगर आप D1 आपने सेलेक्ट किया या D2 सेलेक्ट किया, D3 सेलेक्ट किया, एक डिटेक्शन पे अगर D1 है तो एक दफ़ा बीप करेगा, अगर D2 है, अगर D2 है तो ये फिर दो दफ़ा डिटेक्ट करेगा एक ही ऑब्जेक्ट को, अगर D3 है तो अगर एक दफ़ा ऑब्जेक्ट जो है उसको डिटेक्ट किया तो ये तीन दफ़ा उसको बीप करेगा। सो इसका ये फंक्शन का ये जो है जी D1 का ये मतलब है। ये जो आप सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3 ये एक दफ़ा डिटेक्शन पे उतनी दफ़ा जो है वो बीप करेगा, और इसके मोस्टली जो है इनमें तीन ही लेवल्स जो हैं वो होते हैं। ये Y2 Y है जी, इसके भी तीन लेवल्स होते हैं 0, 1 और 2। 0 पे ये असल में ये है जी वॉल्यूम, तो जब 0 होगा तो ये साइलेंट मोड में चला जाएगा, जब 1 होगा तो वॉल्यूम लो होगा, जब 2 होगा तो वॉल्यूम हाई होगा। तो ये Y से आप Y का मतलब है जी वॉल्यूम, ये है जी Y D,
वाई डी, इसमें ये नॉर्मली चाइनीज़ जो गेट हैं इनमें तकरीबन 10 से 20 वैल्यूज़ तक ये वाई डी जाते हैं। वाई डी का मतलब है जी रिंग टोन कह लें, या टोन की मुख्तलिफ़ जो हैं आवाज़ें वो कह लें कि मुख्तलिफ़ स्टाइल की जो टोन हैं वो ये निकालेगा। ये देखें, इसको भी आप एक से लेके 10 तक जो है वो कहीं पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आप इसको मर्ज़ी से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि इसको आप जो टोन आपको अच्छी लगती है, जब ये कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो ये वो टोन जो है वो आपको सुनाई देगी। ये है जी ए। ए मतलब इसमें नॉर्मली ये चाइनीज़ वॉक थ्रू गेट्स में आता है, इसके भी तीन जो हैं वो लेवल्स होते हैं। इसमें होता है जी, एक ऑब्जेक्ट को जब आपने डिटेक्ट किया है तो उसकी बीप जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए या मीडियम होनी चाहिए। तो ये इसका ये मतलब है। अगेन ये वही सारे फंक्शंस जो हैं वो आप चेक करें, ये फंक्शंस बटन के ज़रिए आसानी से काम कर रहे हैं। अब हम दोबारा इसको प्रेस कर दिया है, तो बटन को प्रेस किया रीसेट को, तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो है वो आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 000 ऑन द जो दोनों डिस्प्ले हैं उन पे शो होने लग गया है। तो ये अभी अपनी नॉर्मल जो मोड है उसमें वापस आ चुका है। तो ये वाला एक इसका पास काउंटर है और दूसरे वाला इसका जो है ये वाला ये अलार्म काउंटर है। पास काउंटर मीन के कितने लोग इसमें से गुजरे हैं टोटल, और अलार्म काउंटर है कि कितने लोग ऐसे गुजरे हैं जिनके पास कोई मेटल था। तो इसके अब तमाम फीचर्स और फंक्शंस जो हैं ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। आप हमें अब लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को, तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।